आपने एक तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो लेकिन आपका जो सीट है नीचे होना चाहिए, यानी कि आपको 100% नीचे ऑलर सीट की जरूरत है। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप 100% लोअर बर्थ सीट आप कैसे बुक कर सकते हो। सो गाइस ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आप कैसे 100% लोअर बर्थ सीट को आप कैसे बुक कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। फाइनली मोबाइल फोन की स्क्रीन को भरो तो आपको करना कि देखिए आप डायरेक्ट IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से मैं टिकट बुक करना आपको सिखाऊंगा कैसे 100% लोअर बर्थ सीट आप कैसे बुक कर सकते हो, और इसका प्रूफ भी मैं दे दूंगा आगे। ओके, तो गाइस मैंने भी इस प्रकार से टिकट बुक करता हूँ, मैं आपको आगे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप लोअर बर्थ सीट कैसे पा सकते हो। सो गाइस पहले देखिए IRCTC का रेल क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। ओके, तो गाइस मैं IRCTC का जो ऑफिशियल ऐप से मैं ऑफिशियल ऐप से टिकट बुक करना आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप तत्काल में लोअर बर्थ सीट आप कैसे बुक कर सकते हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आपने IRCTC रेल कार्ड एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपका जो नेम है आपका नेम मास्टर लिस्ट पे आप सेव करके रख लीजिएगा। देखिए अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है माय मास्टर लिस्ट। ओके, माय मास्टर लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस सिंपल देखिए अभी सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दूंगा और देखिए आपका जो भी नेम है आप अपना नेम यहीं पे सिलेक्ट करके रख दीजिएगा। ओके, नेम और सरनेम, नेम सरनेम को दे दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए इसमें इस प्रकार डेट ऑफ बर्थ दे दिया और मेल फीमेल सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगी आप इसमें लिखिए बर्थ परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा। अगर आपको 100% लोअर बर्थ सीट चाहिए तो सिंपल आपको लोअर पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके फूड नहीं चाहिए नो फूड पे क्लिक कर दूंगा। अभी सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए एक पैसेंजर ऐड हो गया है। इस प्रकार से आप भी 2-3 पैसेंजर और भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो देखिए मैं पैसेंजर ऐड कर दिया हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बैक पे चला आऊँगा। ओके, बैक कर दिया हूँ तो इससे मैं देखिए अभी ट्रेन पे क्लिक करूँगा, बुक टिकट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए मैं हावड़ा टू टाटा के लिए जाना चाहता तो हावड़ा से टाटा सिलेक्ट कर दिया हूँ। तत्काल में कल का डेट का सिलेक्ट कर लिया हूँ, कोटे पे क्लिक करूँगा तत्काल कर दूंगा। अभी सिंपल सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दूंगा और देखिए मेरे सामने काफ़ी सारा ट्रेन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इन्हीं में से जो भी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हो वो ट्रेन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं देखिए एक ट्रेन को सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये वाला ट्रेन सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसमें देखिए 134 सीट अवेलेबल है। ओके, तो सिंपल मैं क्या करूँगा पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने स्लीपर में तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो तो सुबह 11 बजे आप टिकट बुक कर सकते हो। जस्ट 11 बजे आपको ACL पे क्लिक करना है तो आपको जो भी सीट रहेगा अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अपने AC का टिकट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे 3A पे क्लिक कर सकते हो, बट आपको 10 बजे करना है क्योंकि तत्काल टाइम जो स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे AC का टाइमिंग है। ओके, 10 बजे से 2 मिनट पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। स्लीपर में टिकट बुक करना चाहते हो तो 11 बजे से 1-2 मिनट पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए समय जैसे कि ACL पे क्लिक कर दोगे, अभी सिंपल देखिए पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर दोगे, अभी सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए आपने जो नेम सेव कर रखे थे मास्टर लिस्ट पे, वो जो नेम है ना ऑटोमेटिकली यहीं पे चला आया, आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जो नेम चला है नेम के ऊपर क्लिक करोगे, सिलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करोगे, एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको मास्टर लिस्ट पे नेम को ऐड कर रखना है। ओके, देखिए आपने मास्टर लिस्ट पे ऐड कर रखे थे नाम तो गाइस यहाँ पे काफ़ी काम आसान हो गया। देखिए भाई वो नेम चला है, आपने जो LB सिलेक्ट किए थे लोअर बर्थ वो भी चला आया हुआ है। आपको करना है कि सिंपल नीचे की ओर आपको चला आना। ओके, नीचे की ओर चला आना, जैसे कि आपने नीचे की ओर चला होगे तो गाइस देखिए यहीं पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए यहाँ पे बुक ऑनली कन्फर्म बट। ओके, देखिए इसमें आपको जस्ट यहाँ पे टिक लगा देना। ओके, इसमें आपको टिक लगा देना, इसमें टिक लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपने टिकट बुक कर रहे हो, टिकट बुक करते करते आपका टिकट वेटिंग में चला आ जाता है तो आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो गाइस आपका टिकट बुक नहीं होगा। ओके, तो गाइस सिंपल मैं क्या करूँगा अभी नीचे की ओर चला आऊँगा। देखिए एक ऑप्शन है पे अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन चॉइस। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन चॉइस, तो गाइस रिजर्वेशन चॉइस पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन चला आया होगा, देखिए अभी लिखा है बुक ओनली वन लोअर बर्थ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुक ओनली वन लोअर बर्थ, यहाँ पे देखिए आपने एक साथ में 2 लोअर बर्थ में सीट बुक करना चाहते हो तो सीमें देखिए बुक ओनली 2 लोअर बर्थ। 2 लोअर बर्थ पे मत कीजिएगा क्योंकि 2 लोअर बर्थ में चांस काफ़ी कम रहेगा। हाँ,
टू लोअर बर्थ में आप तब सिलेक्ट कर सकते हो कि समझो कि अपने कल का डेट में ट्रेवल करने वाले हो, समझो कि आपने दोपहर को 12 बजे टिकट बुक कर रहे हो और उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा सीट है, समझो कि 30, 40, 50, 60, 100 से ऊपर भी सीट है, तब आप टू लोअर बर्थ में सिलेक्ट करोगे तो आपको 100% टू लोअर बर्थ दिया जाएगा। बट समझो कि आपने कल का डेट में ट्रैवल कर रहे हो, उस रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, तब वन पे कर दीजिएगा। ओके, वन पे करने से क्या होगा, आपको एक ही सीट मिल पाएगा, आपने टू पे क्लिक करोगे तो दो लोअर बर्थ में आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो पेमेंट मेथड में मैं सिंपल भीम यूपीआई पे क्लिक कर दूंगा, अभी सिंपल रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए कितना सीट अवेलेबल है, देखिए अभी ग्रीन कलर के हमें देखने को मिल रहा होगा, देखिए कितना सीट यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे कितना सीट अवेलेबल दिख रहा होगा। तो गाइस देखिए पे अवेलेबल है तो ही आप टिकट को बुक कीजिएगा, बट यहाँ पे वेटिंग रेड कलर की WL की वेटिंग दिख रहा है तो आप टिकट को मत बुक कीजिएगा। बस अवेलेबल दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कैप्चा को दे दीजिएगा, कैप्चा को देने के बाद सिंपल प्रोसीड टू पे बैक कर दीजिएगा। तो गाइस आपको 100% लोअर बस सीट आपको मिल जाएगा। तो गाइस समझो कि आपने कल का डेट में ट्रैवल करने वाले हो बट आपको जाने की काफ़ी अर्जेंट ज़रूरत है, काफ़ी अर्जेंटली जाना है आपको, गैस काफ़ी अर्जेंट जाना है तो आप लोअर बर्थ को सिलेक्ट मत कीजिएगा, लोअर बर्थ को सिलेक्ट मत कीजिएगा। आपको अर्जेंटली जाना है तो आपको लोअर बर्थ में सिलेक्ट मत करना है। लोअर बर्थ सिलेक्ट नहीं करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए समझो कि आपने लोअर बर्थ सिलेक्ट नहीं किए, ओके, इस प्रकार से टिकट बुक कर रहे हो कि जैसे कि आपने नेम दे दिया, नेम देने के बाद देखिए आप यहीं से भी एडिट कर सकते हो, नेम दे दिए पे लोअर बर्थ की जगह पे नो परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है, फिर कोई भी मैं सीट नहीं लिया, ओके, कहीं पे भी होने दो सीट मुझे चलेगा, हो सके लोअर में हो, अपर में हो, साइड लोअर साइड अपर, कहीं पे भी होने से सीट चलेगा, बट मुझे कन्फर्म सीट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कोई भी बर्थ सिलेक्ट नहीं करूँगा, अभी से मैं नीचे को चला आऊँगा। तो गाइस सिंपल देखिए यहीं से भी देखिए जहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस है अभी भी कुछ नहीं करूँगा मैं, सिंपल मैं क्या करूँगा पे एक ऑप्शन इसमें टिक लगा दूँगा, यहाँ पे देखिए बुक ओनली कंफर्म बट अलाउड, इसमें जस्ट टिक लगाऊंगा। ओके देखिए अभी जब टिक अनटिक कर रहा हूँ इसमें टिक लगा दूंगा, इसमें टिक लगाने से ये बेनिफिट होगा मुझे, अगर इस ट्रेन में सीट कंफर्म हो जाएगा तो ही मुझे सीट कंफर्म दिया जाएगा, कंफर्म सीट नहीं है तो टिकट बुक नहीं होगा। ओके तो बस देखिएगा इस प्रकार से मैं इस पर टिक कर दूंगा, ओके बुक ओनली ऑन कंफर्म बट अलाउड, ओके अवेलेबल ये भी आपको दिखाया जाएगा। देखिए इस ट्रेन में 6 सीट अवेलेबल है, तो कैसे आप क्या है कीजिए जल्दी जल्दी कैप्चा को दे दीजिएगा। ओके जैसे कैप्चा भर दोगे, कैप्चा भरने के बाद सिंपल आप परसेंट टू पे कर दोगे तो कैसे में देखिए पेमेंट मेथड आ जाएगा, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम पे कर दोगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। आपको ज़्यादा अर्जेंट जाना है तो आप क्या कीजिए सीट वहाँ पर सिलेक्ट मत कीजिएगा। ओके सीट सिलेक्ट करने से क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने समझो कि लोअर बर्थ सीट सिलेक्ट कर रखे हो, समझो कि आपने कल ट्रैवल करने वाले हो उस रोड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ओके आपने लोअर बर्थ सिलेक्ट करके रखोगे तो समझो कि आप तो अकेला टिकट बुक नहीं कर रहे हो, आप भी बुक कर रहे हो टिकट, आपकी जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो टिकट बुक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपने सिलेक्ट कर रखे हो मुझे लोअर बर्थ में चाहिए, अपर में चाहिए, मिडिल में चाहिए, इस प्रकार से समझो कि आपने सिलेक्ट कर रखे हो, तो क्या होता है कि लोअर बर्थ का जो सीट है काफ़ी कम रहता है ट्रेन में, ओके क्योंकि ज़्यादा एज वाले के लिए लोअर बर्थ में सीट दिया जाता है, तो वैसे में लोअर बर्थ वाला सीट बहुत कम है, तो वैसे सब क्या होता है गोल गोल घूमते रहता है, और जो आपकी जैसे और भी लोग जो टिकट बुक कर रहे हैं ना वो ऑटो सिलेक्ट करके रखे, यानी कि सीट कहीं पर भी होने से चलेगा, तो उनका सीट क्या होता है ना फटाफट टिकट बुक हो जाता है, और आपको गोल गोल घूमते घूमते या तो बता देंगे कि इतना वेटिंग में है आप टिकट बुक करना चाहते हो तो कर लो, तो कुछ इस प्रकार से दिक्कत आ जाती है। हाँ तभी आप टिकट बुक कीजिएगा लोअर बर्थ में, समझो कि अपने कल का डेट में कभी जाना चाहते हो तो एक महीना बाद ट्रैवल करने वाले हो, 2 महीना बाद ट्रैवल करोगे, ओके या तो समझो तत्काल में आप कल ही ट्रैवल करोगे, समझो कि आप कल ट्रैवल करोगे और सीट काफ़ी ज़्यादा खाली है, समझो कि आपने तत्काल टिकट बुक करो 11 बजे, ओके 11 बजे ओपन होता है, समझो कि आपने 11 बजे आपने बुक कर रहे हो सके आप जहाँ जाना चाहते हो उस रूट का ट्रेन में सीट काफ़ी ज़्यादा खाली है, तत्काल में 2 बजे भी खाली है, जैसे कि देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 4:53 है, जैसे कि मैं अभी टिकट बुक करूँगा तो मुझे 100% लोअर बर्थ में दिया जाएगा क्योंकि सीट खाली है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में सीट खाली है, तो मुझे 100% लोअर बर्थ सीट दिया जाएगा इस प्रकार से सिलेक्ट करके रखूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा सीट दिख रहा है तो सीट एक ना एक तो हो ही जाएगा नीचे वाले में। कल का डेट में जाना चाहते समझो कि आपने कल का डेट में ट्रैवल करने वाले हो बट आप जहाँ जाना चाहते हो उस रूट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, समझो कि 11 बजे के 2-3 मिनट के अंदर ही टिकट सब खत्म हो गया,
तो इस कंडीशन में आपका जो नीचे वाला सीट है, लोअर बर्थ वाला जो सीट है, मिलना काफ़ी मुश्किल है। बट आपने अभी नो परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे तो आपको टिकट हो जाएगा, क्योंकि आपने सीट सिलेक्ट नहीं की हो, एक ही मुझे लोअर बर्थ अपर बर्थ इस प्रकार से आपने कहीं भी सीट सिलेक्ट नहीं किए हो, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टिकट कहीं ना कहीं बुक हो जाएगा, हो सके लोअर, हो सके मिडिल, हो सके अपर बर्थ में। ओके, आपने ज़्यादा अर्जेंटली टिकट बुक करो तो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिएगा। बट समझो कि आपको अर्जेंट नहीं है, आपको 100% लोअर बर्थ सीट चाहिए, तो इस प्रकार से टिकट बुक कीजिएगा जिस प्रकार से मैं आपको दिखाया है। ओके, इस प्रकार से टिकट बुक करोगे तो आपको 100% लोअर बर्थ वाला सीट आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से अपने लोअर बर्थ वाला सीट बुक करोगे। ओके, सीट ट्रेन में ज़्यादा खाली है तो आपको 100% दिया जाएगा, सीट खाली नहीं है तो आप सिलेक्ट करोगे तो आपका टिकट बुक ही नहीं होगा। ओके, पेमेंट लेने के बाद आपका टिकट फेल हो जाएगा। ओके, तो गाइस सीमा देखिए, जैसे कि आपने टिकट बुक करोगे, बुक करते करते देखिए जैसे कि पेमेंट ले लिया, समझो कि एक भी सीट खाली नहीं है, तो गाइस सीमा आपको बताया जाएगा कि आपका सीट खाली नहीं है, येस या नो। तो गाइस सीमा आपको सीमा नो पे क्लिक कर देना, नो पे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा टिकट बुक नहीं होगा, येस पे क्लिक कर दोगे तो हो सके कि वेटिंग में भी चला जाए। ओके, तो गाइस आपको नो पे क्लिक कर देना है। सो गाइस लाइव प्रूफ देखिए, मैं भी लोअर बर्थ वाला सीट बुक किया, इस प्रकार से आप भी बुक करना चाहते हो तो इस प्रकार से बुक कर सकते हो। गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, ये वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।